लिंबात विस्तार में आवेला मंगल पांडे हॉल पासे लूंट बैंक ऑफ बड़ोड़ा ग्राहक सेवा केन्द्र में लूंट त्रण जेटला ईसमो द्वारा 2.50 लाख ने लूंट करीने फरार। एक्साइज गाड़ी पर आवेला त्रण ईसम बैंक ऑफ बड़ोड़ा ग्राहक सेवा केन्द्र पर सीसीटीवी केमेरा बंद हालत में लिंबायत पुलिस अने अधिकारियों घटना स्थले। घटना यहाँ पे ये हुआ कि तीन लोग आते हैं और एक लोग इधर बीच में खड़ा रहता, दो किनारे पे खड़ा रहता, बोलता है मेरे को मनी ट्रांसफ़र करना है। मैं उसको बोलता हूँ ठीक है मोबाइल नंबर और खाता नंबर दो, तो बोलता है मेरे को फ़ोन पे या गूगल पे करना है। तो मैं बोला फ़ोन पे गूगल पे नहीं होगा। उसके बाद वो मोबाइल में टिप रहा था और मोबाइल में टिपने के बाद फिर वो जो है अंदर दोनों एक साथ अंदर आते हैं। पहले तो अंदर आते वक्त ही हाथ में ऐसा उकर रहा था, लेकिन क्या है कि वहाँ दिख नहीं रहा था क्या उकर रहा है। उसके बाद आने के बाद तुरंत जो 40 की एज के आसपास था वो तुरंत मेरे यहाँ कनपटी पर लगाता है और दूसरा जो आता है तुरंत हाथ से यहाँ लगाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ खड़ा हो जाता, यहाँ बैठा था तो यहाँ से मैं खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद जो 40 वाला था वो तुरंत गल्ला मेरा खींचता है। हमें लगता पहले से आए रहे होंगे क्योंकि उनको कैसे पता कि मेरा गल्ला इधर है। गल्ला वो खींचता है, उसमें से फिर पैसा सब निकालता है और वो दूसरा वाला जो है ये दरवाज़ा को बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद बार बार मैं उससे 2-3 बार उसका छीनने का प्रयास किया जो हाथ में रिवाल्वर लिया था उसने। तो उसके बाद फिर वहाँ खड़ा रहा, फिर ये पैसा लेके दोनों फिर निकल के चले जाते हैं। कितना पैसा लेके गया? पैसा 2 से 2.5 लाख समथिंग रहा होगा। फायरिंग की है आपको? नहीं, फायरिंग नहीं किया था। और क्या मिला है उनके पास? क्या मिला, क्या क्या चीज थी उनके पास? और उनके पास क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन दो हाथ में जो है दो लिए थे, दोनों अपने अपने हाथ में लिए थे। कितने लोग थे? तीन लोग थे, टोटल तीन लोग थे। बीओबी ना मनी ट्रांसफर यूनिट जे छे ए यूनिट में एक लूटनो बनाव रिपोर्ट थयेलो छे। कंट्रोल मार्फते लिंबायत पुलिस ने जाण थई अने लिंबायत पुलिस अने लोकल डीसीपी ए आ बनावनी अनुसंधाने तपासमां लागेली छे। टीमो जे बनाव बन्या छे बनावमां हथियार बतावी अने 2.5 लाख रुपया जेटला ની લૂંટ કરીને લઈ ગયા છે। પોલીસ તપાસ ચાલુ છે। 3 ઈસમો આવેલાની પ્રાથમિક હકીકત સીસીટીવી ફૂટેજમાંથી જોવા મળે છે ને તમંચા જેવા હથિયાર એ બતાવી અને ડરાવીને આ પૈસા લઈને જતા રહ્યા છે। બાકીની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે। ખરેખર આ જે હકીકત છે, જે બનાવ બન્યા છે, એ આ જે યુનિટ છે એ મની ટ્રાન્સફરિંગ ચલાવતા એક ભાઈ છે ને, જેણે બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી આ યુનિટ લઈ અને આ છેલ્લા 8 વર્ષથી મની ટ્રાન્સફરિંગના કામ કરે છે। પોલીસ તપાસ ચાલુ છે। જીવતા કારતૂસ, બે જીવતા કારતૂસ સ્થળ પરથી પોલીસને મળ્યા છે, જે ઝપાઝપીમાં પડી ગયેલા હોવાનું પોલીસનું અને ફરિયાદીનું કહેવું છે। સાહેબ, લૂંટારૂઓ બી કંઈ અગાડી પડી ગયા હતા અને પછી ફરિયાદી કેમ ની પછી? એ તપાસનો વિષય છે। સીસીટીવી ફૂટેજ જોવાની જે વાત છે એ બાબત પરથી ક્લિયર થશે કે લોકો પડી ગયા હતા કે શું। ફાયરિંગના બનાવ પ્રાઇમરી તપાસમાં બનેલા નથી। ब्यूरो रिपोर्ट, इनायत मंसूरी, सूरत।